हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये तो अपने गांव का भूत नहीं है। नहीं, चलो चलकर देखते हैं। हेलो, सांस भी चल रही है भाई। कौन हो तुम भाई, कहां से आए हो, नाम बताओ अपना। सुना, कुछ गड़बड़ा रहा है। 4852 4852 इधर निशान। ये तो खोजी साहब है। खोजी? हाँ, एक्सप्लोरर क्लब के मेंबर लगते हैं ये। पिछले साल ऐसे ही निशान वाले कुछ खोजी लोग हमारे गांव में आए थे। मार देंगे, छोड़ेंगे मुझे। देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ये बताओ, वो लोग कौन थे? अरे उठाओ यार, अरे इतनी पूछताछ करो तो मर जाएगा। उठाओ, इनकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। उठाओ उन्हें, आराम से उठो। देखिए भाई लोगों, हमने उन्हें मरहम लगा दिया है, अभी उन्हें आराम करने दीजिए। आप लोग जाइए, प्लीज जाइए। यहाँ कैसे आया? कौन सी जगह है? कौन है आप लोग? कहाँ हूँ मैं? हम लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर आप यहाँ आए कहाँ से? क्या हुआ आपके साथ? सब मेरी गलती है। अब वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ना मैं वो डायरी खरीदता, ना मेरी ये हालत तो होती। डायरी? कैसी डायरी? सैकड़ों साल पुरानी ये डायरी कोई आम डायरी नहीं है। ये डायरी मशहूर स्पेनिश शिप एंड्रोमीडा के कैप्टन की खास डायरी। ये शिप रहस्यमय तरीके से समुद्र में डूब गया था, पर ये डायरी सैकड़ों सालों तक म्यूजियम्स में पड़ी रही और आज पहली बार ये अद्भुत डायरी यहां ऑक्शन में जा रही है। इस डायरी की मिनिमम बिड है 1,00,000। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डायरी और इसमें छुपे हुए सारे राज आज आपके हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। 2,00,000, 2,00,000, बहुत बढ़िया, सीधा डबल। 2,01,000, 4,00,000, 4,00,000, फैंटास्टिक सर। 4,01,000, 6,00,000, 6,00,000 मैम, एक्सेलेंट। 12,00,000, 12,00,000, 12,01,000, 13,00,000, 13,00,000, 15,00,000, 15,00,000, राइट हियर सर। 25,00,000, 25,00,000, लगता है ये डायरी इनकी हो जाएगी। 25,01,000, 25,02,000 और 25,00,000। 1,00,00,000, 1,00,00,000, 1,00,00,000। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई और है यहां जो 1,00,00,000 से ज्यादा बोली लगा सके? 1,01,000,
एक करोड़ दो और एक करोड़ तीन सोल्ड। और ये डायरी जाती है मिस्टर मनोज को। कंग्रेचुलेशन मिस्टर मनोज। और अब इस डायरी के बाद ऑक्शन होगा लतीफ हुसैन की पेंटिंग का, जो हमें मिली है राजस्थान की पुश्तैनी हवेली। ये तुमने ठीक नहीं किया मनोज, ये डायरी मुझे चाहिए थी। तो खरीद लेते। ये डायरी तो मैं तुमसे हर हाल में लेके रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। मुझे नहीं मालूम था कि एक करोड़ की डायरी मेरे मौत का पैगाम लाएगी। मैं सोचा भी ऐसी कौन सी डायरी होगी एक करोड़ की। अरे यार, ये जरूर कोई ऐसी डायरी है जिसमें कोई राज छुपा हुआ है, वरना कोई भी डायरी यूं ही एक करोड़ की नहीं होती। जरूर ये डायरी इसी के पास होगी। अरे भाई, लेकिन ये तो खाली हाथ आया था, कुछ भी नहीं था इसके पास। मुझे लगता है वो डायरी बोट में होगी। काम करते हैं, चलकर जरा एक बार उसी से पूछते हैं कि डायरी कहाँ है। चलो। अच्छा, गांव वाले बाहर जाने के बाद इस कमरे के अंदर सिर्फ तुम तीन लोग थे ना। हाँ साहब, मगर हम 5 मिनट के लिए बाहर गए थे। लेकिन सर, हम बाहर ताला मार के गए थे, चाबी मेरे पास ही है। तो तीनों के तीनों एक साथ चले गए थे? वापस बोर्ड देखने गए थे सर। क्यों, इसे अकेले छोड़कर क्यों गए थे तुम? सर, वो जब हम उसे कमरे में लाए थे तो वो किसी डायरी के बारे में बड़बड़ा रहा था, इसलिए हम वापस बोर्ड देखने चले गए थे। कौन है ये आदमी, कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन उसके हाथ में एक निशान है जिसे देखकर ये पता चला है कि वो एक्सप्लोरर क्लब का मेंबर है। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो निशान किसी एक्सप्लोरर क्लब का? सर, पिछले साल कुछ लोग आए थे हमारे गांव में, उनके हाथ में भी सेम निशान था सर। इस क्लब के बारे में पता लगाओ और जाकर बोट को भी अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। क्या क्या बता रहे थे तुम? वो जब आया था कुछ बड़बड़ा रहा था, डायरी के बारे में क्या बोल रहे थे तुम? सर, वो जो नंबर बोल रहा था, वो कुछ नंबर, क्या नंबर था वो? 4852। 4852, क्या हो सकता है ये नंबर? कोई कोड नंबर ही होगा सर, एटीएम का नंबर या किसी लॉकर वॉकर का नंबर। हो सकता है। बता सर उनकी, क्या पता चला? बस ये घाव गोली का ही है। यार, इतना छोटा सा घाव गोली का कैसे हो सकता है सर? घाव छोटा जरूर है, लेकिन है गोली का। एक घाव के ऊपर का जो हिस्सा है ये जला हुआ है, जो गोली लगने से ही जल सकता है। ऐसी गोली कैसे कोई मार सकता है? कमरा तो अंदर से बंद था, खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई है, तो फिर कोई से गोली मार के बाहर जाएगा ही कैसे? और अगर किसी ने खिड़की के बाहर से गोली चलाई है तो आसपास इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो देख ही लेता ना। बस ये सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि मौत इसकी गोली लगने से हुई। गोली इसकी आर्टरी पर लगी, नस पर। उसकी वजह से नस फट गई, इंटरनल ब्लीडिंग हुई। ये देखो, उस ब्लीडिंग की वजह से इसके नाक और कान में से खून भी बहा, और 2 से 5 मिनट के अंदर इसकी मौत हुई। इसकी मौत का एग्जैक्ट टाइम इसके पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। और हाँ, एक मिनट, ये देखो बॉस, इसकी पैंट में से ये चाबी मिली है। तो कहीं इसी चाबी की वजह से शादी का खून तो नहीं हुआ? क्या यहां कोई अनजान आदमी आया था? आप लोगों को किसी पर शक है? हो सकता है कोई अनजान आदमी यहां पर आया हो और उसने सब किया हो। देखो, घबराओ मत, ठीक से याद करके बताओ। सर, जब हम इस आदमी को अंदर लेके आए ना, तो मुन्ना हमारे साथ था सर, लेकिन बहुत देर से वो गायब है।
हाँ मिलेगा मुझे। क्या हुआ, फोन लग नहीं रहा है क्या? हम तेरा फोन लगा के देते हैं। ये बट इधर से मुन्ना के रास्ते पे आने का नहीं, समझा ना? अब तो तुम उसी रास्ते पर चलोगे जिस पर हम चलते हैं। हम लोग हैं सीआईडी वाले। सब सीआईडी सब 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 मैंने पहचान नहीं, आप वर्दी में नहीं है ना सब, इसलिए। तो जख्मी आदमी को घर में छोड़ के कहाँ भाग के जा रहा है? साहब अपन काम धंधे वाला आदमी है साहब, आप उनको क्या लेना देना किसी से? नहीं भाई, मैं तो प्यार से पूछ रहा हूँ। ये आदमी है ना, इनका नाम है दया, लेकिन ये मुजरिमों पे बिल्कुल भी दया नहीं करते। हाँ बोल, अब तू सच यही बताएगा या घुमा के लाऊं थोड़ा? साहब उसने 5,000 रुपए दिए थे और बोला था कि 5,000 रुपए काम खत्म होने के बाद देगा। तो क्या 10,000 रुपयों के लिए तुमने उसका खून कर दिया? खून? नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। सिर्फ साहब बताने के लिए दिए थे उसने 5,000 रुपए मुझे। क्या बताने के लिए? वही कि वो आदमी अपन के गाँव में आ गया था, उसको बताने का था सिर्फ। देखो सर, अगर कहीं गांव में दिखाई दे ना तो तुरंत मुझे बताना। साहब फ्री में तो मुन्ना अपने बाप का काम नहीं करता है। 5,000 है, बाकी बाद में। मैंने जैसे ही उस आदमी को देखा उसे तुरंत मैसेज किया। उस आदमी का नंबर बता। 1120120178। मैं कहां फंस गया यार? नंबर अवेलेबल नहीं है सर। जरा पता लगा है किसका नंबर ये? क्या और कुछ बता सकते हो उस आदमी के बारे में? हाँ सब, हाँ सब, हाँ सब, उसे बोट चाहिए थी सब किराए पे। ओ, फिर? पर अभी बारिश का मौसम है, बोट कहाँ से मिलती? लेकिन साहब उसे कहीं पर जाना था किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर? मतलब समंदर के रास्ते नहीं तो आसमान के रास्ते? चौपर या प्लेन वगैरह तो नहीं लिया? श्रेया को कहना पड़ेगा पता लगाने के लिए आसपास कोई एयरपोर्ट है क्या। और तुम चलो हमारे साथ, उस आदमी का स्केच बनवाओ। हाँ मिल गया, थैंक्स थैंक्स सर। या सर, हाँ एक्सप्लोरर कब से पता चला मरने वाले का नाम मनोज है? मनोज? हाँ सर, मगर हैरानी की बात यह कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। क्या ये कैसे हो सकता है अभिजी? सर ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी ये न्यूज़ आ चुकी है। 3 महीने पहले प्लेन क्रैश में ये आदमी मारा गया था। सर लगता है इस मनोज ने अपनी मौत का ठोंग किया है। दरअसल ये मरा ही ना। नहीं भैया, ये इतनी आसान बात नहीं है। किसी आम आदमी को अपनी मौत का नाटक रचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर सर हो सकता है ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो जिसने अपनी जगह पे किसी और को प्लेन में भेजा, जिसकी नकली बॉडी प्लेन क्रैश के बाद इस तरह से सामने आ गई। ये भी तो हो सकती है किसी साजिश का शिकार हो। तो अगर साजिश का शिकार था तो फिर 3 महीने से मुंह बंद करके क्यों बैठा हुआ था? किसी ने किसी तरीके से सामने आना चाहिए था इसको। हाँ श्रेया। सर मुझे अभी पता चला है कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर एक आइलैंड है, वहाँ पे चार्टर प्लेन अवेलेबल है जिन्हें हायर भी किया जा सकता है। तो फिर हो सकता है कि जिसने भी इस मुन्ना को पैसे दिए उसने वो प्लेन वहीं से हायर किया हो। दिन और आते भी कम नहीं होते। अपनी मंजिल को पाने के लिए एक एक दिन मरा हूं मैं। पर सर इस आइलैंड में ऐसी क्या बात है जहां जाने के लिए आप इतने एक्साइटेड हैं? ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगी। ओके सर प्लीज आप लोग अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध दीजिए, आगे मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते। एक एक दिन गिनकर गुजारा है मैंने और तुम बोलते वापस लौट जाओ। क्या कर रहे हैं सर? हम सब मर जाएंगे,
हमें प्लेन वापस घुमाना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। आई विल मेक इट पॉसिबल। चलो सर, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, हम सब की जानी चली जाएगी। ये कमर्शियल प्लेन ही छोटा सा प्लेन है, खराब मौसम का मुकाबला नहीं कर पाएगा सर ये। तुम चुपचाप प्लेन उड़ाओ, ओके? चलो वापस लो, वापस लो प्लेन। अब बहुत देर हो चुकी सर, अब कुछ नहीं हो सकता। हमें इस आदमी की तलाश है, क्या आप मिले इसे, जानते हैं इसे? जी हाँ सर, आज सुबह ही यहाँ आया था हमारे यहाँ, और ऐसे ही एक चार सीटर सेस्ना प्लेन उसने हायर किया था हमारे से। लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? जिस रूट से वो प्लेन जा रही थी, खराब मौसम की वजह से हमारा उस प्लेन के साथ संपर्क टूट गया, और तब से वो प्लेन गायब है। गायब हो गया? आपका मतलब है कि प्लेन क्रैश हो गया? नहीं, इसके बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी, हम उस प्लेन की तलाश कर रहे हैं। कितने लोग थे उस प्लेन में? विकास के अलावा दो और लोग थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का और लड़की? अच्छा, ये प्लेन की लास्ट लोकेशन क्या थी? हाँ एक मिनट थोड़ा। प्लेन का लास्ट लोकेशन था 48 डिग्री 52 फीट 36 इंच साउथ, और 123 डिग्री 23 फीट 36 इंच वेस्ट, कुछ बरगुदा आइलैंड। बरगुदा आइलैंड 485236। 4852 यही तो वो डिजिट मनोज बड़बड़ा रहा था, 4852। ये जहां से प्लेन गायब हुआ है, बरगुदा आइलैंड से, मनोज का क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस आइलैंड में। कहीं विकास का प्लेन उसी आइलैंड पर लैंड तो नहीं हुआ? उस आइलैंड पर जाके देखना पड़ेगा। ये वही आइलैंड है जिसकी हमें तलाश थी। गौरव, बस मैं और नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। I'm really tired. Okay, Natasha, don't worry, तुम यहाँ आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ नताशा? क्या हुआ? वो देखिए सर। ये क्या? ये तो कंकाल है। ये यहाँ कहाँ से आया? यस यस नताशा, गौरव, मेरा सपना साकार होने वाला है। ये कोई मामूली कंकाल नहीं है, जो स्पेनिश क्रू मेंबर का कंकाल है, 150 साल पहले यहाँ आया था। सर, लगता है ये रेस्क्यू टीम का चॉपर है जो हमें बचाने के लिए आया है। चुप। तुम लोगों को क्या लगता है कि साइलेंट की तलाश में केवल हम लोग आए हैं? बहुत लोग घूम रहे हैं साइलेंट की तलाश में, समझे? जल्दी चलो, तो देर हो जाएगी, जल्दी करो। वहां जाने का कोई जरिया?
नहीं सर, आज तो संभव है नहीं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है और उसका पायलट सुबह ही आएगा। अभिजीत, जैसे हेलीकॉप्टर का पायलट कल सुबह आएगा हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इस काम की किसी को भी कानो कान खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर तुम्हारा हेलीकॉप्टर उतारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर उनको भनक लग गई तो हाथ से निकल जाएंगे। तो फिर सर हम वहां उतरेंगे कैसे? एक रास्ता है जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गोलियां चला कौन रहा है? वहां से चल रही है गोलियां। टारगेट पे फायर मत करना, जिंदा पकड़ना है उसे। चलाने का बहुत शौक है तुझे? सर हमें क्या मालूम था कि सर आप सीआईडी से हैं सर। अच्छा, और अगर मालूम होता तो तब क्या? सर नहीं सर, सर कल से हमें को मारने कोशिश कर रहा है सर यहाँ पे। जी सर। वो सर जान बचाने के लिए हमने गोली चलाई सर यहाँ पे। जान बचाने के लिए या जुर्म छुपाने के लिए? जुर्म सर आप हमें गलत समझ रहे हैं सर। सर कल तूफान की वजह से हमारा प्लेन यहाँ पे क्रैश हो गया सर। प्लेन क्रैश? विकास कहाँ? कहाँ है विकास? सर कल किसी ने हम पर हमला किया सर, उसने विकास सर की जान चली गई सर, और सर बहुत मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई है सर। और ये गन, गन कहाँ से आई तुम लोगों के पास? सर ये गन हमें भागा दौड़ी में मिली सर, ये हमारी नहीं है सर। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? सर ये विकास सर का दुश्मन होगा सर पक्का। तुम लोग विकास को कैसे जानते हो? सर हम उनके पास काम करते हैं सर। यहाँ इस आइलैंड में क्या करने आए थे? विकास सर हमें कभी कुछ नहीं बताते थे। हमें नहीं पता वो हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए सर। हम बस इतना जानते कि वो यहाँ किसी चीज की तलाश में आए थे सर। यहाँ पे किस चीज की तलाश हो सकती है? इसे जानते हो? नहीं सर। तुम? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये सर? मनोज, कौन हो गया इसका? विकास ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? नहीं मैम। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो सीआईडी से झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होता है, याद रखना। सर हम झूठ क्यों बोलेंगे सर? सर हम खुद फंसे हुए हैं सर यहाँ पर। सर हमें प्लीज बचा लीजिए सर। घबरा मत, हम लोग बचा लेंगे तुम्हें। जब तक हम लोग हैं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो
आज बहुत प्यारी लग रही है। इस डायलॉग के सिवा कुछ और भी जानते हैं आप? मैं सच कह, फिलहाल हमें बहुत लेट हो रहा है, चले। गॉड, क्या हुआ प्रियंका? हमें वापस लौटना होगा। क्या? डोंट स्पॉइल माय मूड यार। चीज तो मैं लेके रहूंगा और इस मनोज को तड़पा तड़पा के मारूंगा। हाँ समीर, मत छोड़ना उसे, मत छोड़ना। इन चारों में से कौन है जिसने मनोज का खून किया? है कोई जवाब? वैसे आप दोनों विकास के लिए क्या काम करते हो? सर मैं विकास हरी कंपनी में फाइनेंस हेड हूँ सर। और तुम प्रियंका? मैम मैं मैकेनिकल और रिसर्च डिविजन की हेड हूँ। मेरी रिपोर्टिंग डायरेक्टली विकास सर को ही होती थी। लेकिन विकास ने तुम दोनों को ही क्यों चुना यहाँ लाने के लिए? सर हम दोनों शुरू से साथ में पढ़े हैं सर, इसलिए उन्हें हम पर विश्वास था। अभिजीत, बड़ी बदबू आ रही है कहीं से। लगता है कोई जानवर वानवर मरा है कहीं पे सर। जेल को। क्या हुआ सर? लगता है यहाँ जाल फैला हुआ है, गड्ढा देखो जरा, बहुत बदबू आ रही है। पर सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर गड्ढा है? सिंपल बात है श्रेया, अगर गिराए ना हो तो हरे पत्ते जमीन पर ऐसे कभी नहीं गिरते, है ना? लगता सर इसे मरे हुए कम से कम एक हफ्ता हो गया। ये पूरे शरीर पे कई सारे चाकू के घाव दिख रहे हैं। सर, सर मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ कुछ अजीब है। मुझे लगता है इस औरत की तरह कोई हमें भी जान से मारना चाहता है। सर प्लीज हमें बचा लीजिए। एक काम करते हैं, तुम लोग इस तरफ देखो, मैं और श्रेया इस तरफ जाते हैं। आप लोग इधर आइए साथ। खून के धब्बे। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से उतारो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे यहाँ से उतारो, मेरी मदद करो प्लीज। घबराओ मत, घबराओ मत, हम तुम्हें नीचे उतारेंगे। संभल के हाँ।
मेरा नाम अमर है, मैं एक रिसर्च टीम का मेंबर हूँ। मैं 5 दिन पहले घर से निकला था रिसर्च के लिए, मेरी नाव उलट गई और मैं किसी तरह तैरते तैरते इस आइलैंड पे पहुंच गया। इस जाल में कैसे फंस गए? पता नहीं सर, मेरे सर पर किसी ने पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को जाल में फंसा पाया। वो क्या रहा है इस आइलैंड पर? किसी का प्लेन क्रैश हो रहा है, किसी की नाव डूब रही है, लोग मारे जा रहे हैं। हाँ सर, और इतने लोग इस गुमनाम आइलैंड पे आ क्यों रहे हैं? इसका एक ही मतलब है श्रेया, इस आइलैंड पे कुछ ऐसा है जो इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। जाना नहीं यहां से। यहां तो कोई भी नहीं, आदमी का कपड़ा है और औरत का भी है। मनोज है, ये तो वही औरत है जिसकी लाश मिली है हमें अभी अभी। मनोज और उसकी पत्नी यहाँ रहते थे, इसीलिए मनोज यहाँ इस जगह के कोऑर्डिनेट्स बड़बड़ा रहा था। 4852 मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ तो है यहाँ पे जिसके चक्कर में उसकी बीवी मारी गई और वो यहाँ से भागा। भाग के गया कहाँ? वो भी तुम्हारा गया। हाँ मगर क्या है क्या यहाँ पे? बक्से के अंदर संदूक। लॉक्ड है। ये तो पुराना संदूक लग रहा है, एंटीक पीस। वो मनोज के पास चाबी मिली थी ना? हाँ। डॉक्टर सालुंके को वो चाबी कुछ एंटीक लग रही थी। ये हाँ, शायद इसी की है क्या? खुल गया। पाइप में लगता है ये एसिड होगा, अगर कोई इसे जबरदस्ती खोलना चाहे तो ये फट जाएगा। अंदर जो कुछ भी है सब जल के खाक। डेढ़ सौ साल पहले एक स्पैनिश शिप में बेशुमार खजाना ले जा रहा था। वो शिप डूब गई और मलबे में कहीं भी वो खजाना नहीं मिला। ओह, कहीं वो खजाना इस आइलैंड में तो नहीं है? दूर हटिए, सरिया तो मर चुका है। शांत हो जाओ, रो मत। देखो हम सीआईडी से, क्या हुआ? हाँ, हमारा प्लेन इस आइलैंड में क्रैश हो गया था। क्या तुम्हारा प्लेन आइलैंड पर क्रैश हो गया? किसके साथ आई थी तुम? कौन थे तुम्हारे साथ? मेरे साथ मेरे सीनियर विकास सर थे और ये गौरव। अचानक कल रात फिर से मौसम खराब होने की वजह से हम सब बिछड़ गए। विकास सर का तो पता नहीं, लेकिन गौरव। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, समझी? विकास के साथ समीर और प्रियंका आए थे। मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? 4 सीटर प्लेन में 5 लोग कैसे बैठ सकते हैं? हम 3 आए थे और 1 सीट खाली थी। अगर ये सच बोल रही है ना श्रेया, तो समीर और प्रियंका झूठ बोल रहे हैं। खजाने के चक्कर में ये सारा जंजाल हो रहा है। ओह, क्रॉस। ऐसा लगता है शायद ये वो जगह होगी जहां पे खजाना छुपा के रखा गया है।
इसकी फोटो ले लेते हैं। ये धुआ ये कहाँ है? समीर और प्रियंका। समीर, प्रियंका, समीर, प्रियंका, ये कहाँ चले गए दोनों? जी, हाँ, बुक, बुक। Oh my God. धोखा दे गए, डायरी और समीर दोनों गए। हाँ, बदले की जिंदगी मेरी मिल गई मंजिल। आखिर वो दिन आ ही गया और यही तुम्हारा आखिरी दिन है विकास। चेक और मेट। मेरी हार को जीतने बदलने में एक मिनट नहीं लगेगा, समझे तुम? तुम जीती हुई बाजी हार चुके हो विकास। बस हमारा चौपर आने ही वाला होगा, उसके बाद पलक झपकते ये चिड़िया सारा सोना लेकर फुर हो जाएगी। लाओ सोना, लाओ जल्दी। चल चल जल्दी कर दे। कम ऑन, चल ला ला। कम ऑन, कम ऑन। पीछे पीछे चल, पीछे चल। समीर, लेट्स गो। ओके, और सुन, जब तक हम तेरी नजर से दूर ना हो जाए ना, तब तक इस गड्ढे में रहना, बाहर मत निकलना, समझा? वरना पीछे वही रहना। खड्डे से निकलने की कोशिश की ना, तेरे खोदे हुए खड्डे में तुझे गाड़ दूंगी। बेबी, तुमने क्यों क्या किया? मुझे अब तुम्हारी और कोई जरूरत नहीं। प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। आई एम सॉरी बेबी, गुड बाय। खजाना मुझे चाहिए। अमर, मेरी बात सुनो अमर। सॉरी गाइस, अब तुम्हारा गेम ओवर। तुम ठीक नहीं करो, देखो। अब समझ में आया इस आइलैंड का रहस्य क्या है, ये खजाना। हमें पता था तुम सब उसी जगह पर आओगे जहाँ ये खजाना गड़ा था, और उस जगह का नक्शा हमारे पास पहले से ही था। ये लालच तुम सबको जेल की सलाखों के पीछे अब ले जाएगी। उससे क्या हासिल होगा एसीपी साहब? क्यों ना थोड़ा समझदारी से काम किया जाए, समझदारी से। क्यों ना खजाने को आपस में बांट लिया जाए। वो हो चुकी सीआईडी की नौकरी साहब, क्यों ना बाकी की जिंदगी चैन से गुजार ली जाए। ठीक है, मंजूर है, मगर तय हम करेंगे कि तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा। ठीक है। बंटवारा शुरू करें? हा? जी। तो बताओ तुम में से किसने मनोज का खून किया? ठीक है, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर हम बता देते हैं। जरा अपना अपना मोबाइल दिखाइए। प्रियंका जी, आपका मोबाइल कहाँ है? तो शायद मेरा मोबाइल कहीं मिसप्लेस हो गया है। आपका मोबाइल यहाँ हमारे पास है। सर, मेरा फोन आपके पास कैसे आ गया? ये फोन हमें वहाँ टेंट के पास मिला।
जहां हम पर स्मोक बॉम्ब से हमला हुआ था। और इस मोबाइल में छिपा है मनोज के मर्डर का राज। टेक प्रियंका मैकेनिक्स और रिसर्च की एक्सपर्ट। सर, मनोज की वाइफ का मर्डर किसने किया? मनोज की वाइफ को भी प्रियंका नहीं मारा। क्यों प्रियंका? बेहद नफरत करती थी तुम मनोज की वाइफ से, इसलिए चाकू खोप कर मार दिया उसे। हाँ, मैंने मारा है मनोज को और उसकी वाइफ को भी। जो मुझे धोखा देता है उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। मनोज ने मुझे वादा किया था कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा और उसके बाद हम दोनों मिलकर खजाने के साथ कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी चैन से बिताएंगे। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। और उसकी वाइफ को क्यों मारा? उसकी वजह से मनोज मेरा कभी नहीं हो सका। इस लालच ने तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और तुम्हें हाईटेक प्रियंका फांसी के फंदे तक। नहीं सर, नहीं सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।